वेलकम फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। थायोकॉल की कुछ साइड एक मसल रिलैक्सेंट है और डाइक्लोफेनेक पेन और स्वेलिंग में काम आती है। दोनों को कंबाइन करके बनाया गया डाइनाफार एमआर और किन समस्याओं में काम आएगी ये दवा, क्या है इसकी डोज और साइड इफेक्ट्स, और साथ ही ए टू जेड अबाउट डाइनाफार एमआर टेबलेट के बारे में जानने के लिए वीडियो में बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मेडिसिन ज्ञान चैनल। मेरा नाम है निरंजन बर्मन और आज बात करेंगे डाइनाफार एमआर टेबलेट के बारे में। बिना स्किप किए वीडियो को आखिर तक देखने पर आपको सीखने को मिल जाएगा डाइनाफार एमआर टैबलेट के बारे में। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे रेड सब्सक्रिप्शन बटन को प्रेस करें और बेल बटन को टच करके चलिए, जिससे आपका और मेरा साथ हमेशा बना रहे। प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग में सावधानी से दवा का यूज किया जाना चाहिए। लीवर और किडनी समस्या होने वाले मरीजों को दवा कम मात्रा में और अतिरिक्त सावधानी से दी जानी चाहिए। डाइनाफार एमआर कॉम्बिनेशन है दो दवा की, थायोकॉल की कुसाइड और डाइक्लोफेनेक। ये दो स्ट्रेंथ में आती है। थायोकॉल की कुसाइड 4 mg और 8 mg में स्ट्रेंथ में आती है, जिसमें डाइक्लोफेनेक 50 mg स्ट्रेंथ में ही होती है। डाइनाफार एमआर को खाने के तुरंत बाद लेना चाहिए, जिससे पेट से जुड़ी समस्या कम उत्पन्न होती है। डाइनाफार एमआर का उपयोग मांसपेशियों में खिंचाव, हड्डी में दर्द, मांसपेशियों में इंजरी जैसे कि स्ट्रेन, स्प्रेन, इंजरीज आदि समस्या में की जाती है। डिजेनरेटिव वर्टिब्रल डिसऑर्डर्स, नेक मसल कॉन्ट्रैक्शन, अपर एंड लोअर बैक पेन, इन सभी समस्याओं में इस दवा का बहुत अच्छा रिजल्ट है। डोज की बात की जाए तो किसी भी दवा का उपयोग अपने डॉक्टर की सलाह से पूछकर करें। वीडियो से प्रेरित होकर सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल ना करें। डाइनाफार एमआर दर्द की स्थिति को जानकर दिन में 2 से 3 बार तक दी जा सकती है। पॉसिबल साइड इफेक्ट्स की बात की जाए तो नोजिया, वोमिटिंग, स्टोमक पेन, डायरिया, लॉस ऑफ एपेटाइट यानी भूख नहीं लगना, हार्ट बर्न, छाती में जलन जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। इसके साथ ही लीवर, हार्ट डिजीज या किडनी डिजीज होने पर, हाई ब्लड प्रेशर होने पर, डायबिटीज होने पर या पेट में किसी प्रकार का अल्सर, एस्थमा और मसल्स में कोई प्रॉब्लम होने पर अपने डॉक्टर को इस बारे में जरूर बताएं। बच्चों को इस दवा का उपयोग निषेध है। डाइनाफार एमआर पर बनी ये छोटी सी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आने वाले नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब बटन जरूर दबा के रखें और यदि किसी और तक आप इस इन्फॉर्मेशन को पहुंचाना चाहते हैं तो शेयर बटन का प्रयोग जरूर करें। हमारे अन्य वीडियोस के लिए प्लेलिस्ट सेक्शन को चेक करें। आप देख रहे थे मेडिसिन ज्ञान चैनल और मेरा नाम है निरंजन बर्मन। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।